और अभी खबर यह है कि बरूने मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए दूसरे मरहले का आगाज हो गया है और पीएई की खसूसी परवाज PK 783 कराची से टोरंटो के लिए रवाना हो गई है। हुकूमत ने परवाजों की बंदिश के दौरान बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कुछ खसूसी परवाजें चलाने की इजाजत भी दे रखी है, जिसके दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। एयरलाइन जरा के मुताबिक दूसरे मरहले में पीआईए की खसूसी परवाज PK 783 कराची से टोरंटो के लिए रवाना होगी, जो लॉकडाउन के दौरान कराची से टोरंटो के लिए पहली परवाज है। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में 43,000 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, वापसी के मुंतजर हैं। इन पाकिस्तानियों में तुर्की, बांग्लादेश और कर्गिस्तान समेत कई ममालिक में फंसे ज़ेरे तालीम तुलबा भी शामिल हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि गुज़श्ता रोज जद्दा से 226 पाकिस्तानी मोतमरीन पीआईए की खसूसी परवाज से लाहौर लाए गए हैं, जबकि इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता से 221 पाकिस्तानियों को कराची पहुंचा दिया गया है। इससे काबिल मस्कत से दो परवाजों के जरिए 325 पाकिस्तानियों को लाया गया था। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर से 200 और दुबई से भी 400 पाकिस्तानी खसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान लाए जा चुके हैं।